आप सबको काफी बेनिफिट करेगी। सपोज कीजिए आपको इसका स्क्वायर निकालना है, 5 सेकंड के अंदर आप कैसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, वही आज का टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक। आप सबको दिखाई दे रहा होगा 65 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो वैदिक मैथ्स की मदद से कैसे इसका आंसर हम 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना, 25, 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके नेक्स्ट नंबर से, कितना हो जाएगा, 6 7 42। आपका आंसर कितना हो गया, 4225। मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगे होंगे और यही चीज आप मन के अंदर भी कर सकते हो बिना पेन और कॉपी उठाए। अभी इसको देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अभी ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए 95 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 95 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, 5 का स्क्वायर अगेन कितना होगा, 25, और 9 को हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसके नेक्स्ट नंबर से जो कि क्या है, 10, तो कितना हो जाएगा, 9025। इसी तरीके से एक और डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि सर आप तो 5 वाला कर रहे हो, तो हाँ ये वाली ट्रिक 5 के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप बाकी दूसरे नंबर्स के लिए निकालना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग ट्रिक है, उसको देखने के लिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। पहले मैं आपको 5 की मास्टरी करा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। जो कोई भी नंबर है आपको कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, आपको हाथ से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो मन के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हो। यही राज है वैदिक मैथ्स का और यही हमारी खासियत है इंडियन मैथमेटिक्स की। चलिए एक और क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। 75 का अगर हमें स्क्वायर निकाल दें तो क्या करेंगे, 75 का स्क्वायर 25 हमेशा लास्ट में आएगा। जब भी आपके वन स्ट्रीट पे 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो आपका हमेशा आंसर सेम तरीके से आएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 7 को उसके नेक्स्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जाए कितना हो जाएगा, 56। एक और डिस्कस कर लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको क्लैरिटी हो जाए। सपोज कीजिए 85 का अगर हमें स्क्वायर निकालना, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 72। तो 8 9 से 72, 7225। अब ये आप 100 से आगे भी जा सकते हो। सपोज कीजिए 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 105 के स्क्वायर में भी 5 का स्क्वायर आपका 25, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11025। अब एक नोबल ट्रिक देखते हैं जिसमें हम सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 to 100। ये तो सीरीज है 5 के लिए, जब आपका 5 हो 10 में तब आप उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो देखिएगा आप हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमें 31 का स्क्वायर निकालना है, तो 31 का स्क्वायर निकालने के लिए दो स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहला क्या, 3 का स्क्वायर 9। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है 3 into 1, और उसको आपस में 2 से मल्टीप्लाई कर देना जो आंसर आएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। आपका आंसर कितना आ गया, 961। तो काफी इजी लगा आपको। एक और डिस्कस करते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन। आपको क्या करना है, 47 का स्क्वायर निकालना है, काफी इजी है। 47 के स्क्वायर के लिए 4 का स्क्वायर 16, बीच में एक डैश डाल दिया ताकि अलग अलग डिजिट दिखाई दे आपको। 4 7 28 28 को 2 से मल्टीप्लाई करना है कितना हो जाएगा, 56, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखो एक एक डिजिट आपने लिखी थी, यहां से भी आपको एक एक डिजिट ही लिखनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मन में हो जाएगा। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं ना बच्चों, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है उस चीज को अपने अंदर बिठाने के लिए, अपने पैटर्न से करने के लिए। अभी आप नया सीख रहे हो तो आप कह रहे हो सर 3 स्टेप करने पड़ते हैं, नहीं आपको क्या करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से बस उसको सिंपल ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहां से 9 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, एक एक डिजिट लिखनी है, बाकी वाली नेक्स्ट में कैरी कर दीजिए। 6 और 4 को ऐड किया कितना हो गया, 10, ये कितना हो गया, 5 और 1 6, क्योंकि 10 का एक डिजिट इसमें ऐड हो गया, 0 आ गया। 6 को 16 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22। इसी तरीके से एक और देखते हैं हम, 52 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे 52 का स्क्वायर, कहीं से भी पीछे से भी लिख सकते हो आप। 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 5 2 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20, और 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, तो आप आंसर देखिएगा 4 का आ जाएगा 4, 0 का 0, 2 इधर कैरी हो गया, आंसर कितना आ गया,
27। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन मिल जाए और आप इसको बिल्कुल समझ जाओ, और कोशिश करना अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ऐसे क्वेश्चंस आप शेयर करते रहो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करने को मिले, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। जितना आप लोगों के साथ शेयर करोगे उतनी आपकी अर्निंग, अर्निंग के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ेगी। तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज 93 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 और 9 का स्क्वायर 81। कुछ टाइम बाद आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी आपको करना पड़ रहा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो 9, 4, 86। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप खुद से लिखना शुरू करोगे। 9 का 9 आया, 4 का 4 आया, 5 इसमें ऐड हुआ, 8, 6, 4, 9। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं और आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में उसको इसी ट्रिक से 5 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर आप 5 सेकेंड में कंप्लीट कर देते हैं तो आपकी मैथ्स डेफिनेटली इंप्रूव होगी। बच्चों के साथ क्या होता है, उनकी कैलकुलेशन पावर वीक रह जाती है, जिसकी वजह से उनको आगे लाइफ में मैथ्स का एक फियर हवा बना रहता है कि यार मैथ्स हो नहीं रहा है, मैथ्स कर नहीं पा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं इसी तरीके के, 83 का स्क्वायर जो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मेरे को दिखाओगे कि सर इसी ट्रिक से किया और आंसर आ गया, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही हम वो चीज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 5 के भी दे देता हूं, 5 के स्क्वायर वाले, ताकि आप उसको कर सको। और ये सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।